नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की मेरी ये वीडियो टेक्निकल वीडियो है जहां पर मैं आप सभी लोगों को एक्चुएटर रेफरेंस के बारे में समझाऊंगा। मगर इसके पहले मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बताना चाहूंगा कि कार क्लिनिक की ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है दोबारा से शुरू हो गई है, मगर नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल बंद है। हमारी जो ट्रेनिंग है उसका जो बचा हुआ सिलेबस है वो केवल हम अपने पहले पुराने स्टूडेंट्स को ही डिलीवर करेंगे। और हमारी ये जो ट्रेनिंग है ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। आज की डेट से मंडे पे हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन है स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक के भी हो सकता है। और जो हमारे टेक्नीशियन भाई अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर में लाइव ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे तो डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में उनको उस पूरे ट्रेनिंग सेशन की वीडियो HD क्वालिटी में उनके व्हाट्सएप नंबर पर डिलीवर कर दी जाएगी। अगर कोई टेक्नीशियन भाई इससे अछूता रह जाता है जिन्होंने हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था और वो फिलहाल में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन का आप लोगों के पास में टाइम है। आप लोग जो है हमारी टीम से कांटेक्ट करके जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जहां पर आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम डिलीवर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे इस टेक्निकल कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जयसवाल, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। दोस्तों आज मैं जिस एक्चुएटर को अपने ट्रेनिंग सेशन में लेकर के आया हूँ उसको बोलते हैं DRV वॉल्व। अगर वो कॉमन रेल में लगा हुआ है तो, और अगर वो फ्यूल पंप में लगा हुआ है यानी कि हाई प्रेशर पंप के ऊपर में लगा हुआ है तो हम लोग उसे बोलते हैं मीटरिंग यूनिट, जिसकी फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि ऊपर वाला मेरा DRV वॉल्व है जो कि कॉमन रेल के ऊपर लगा रहता है और नीचे वाला मेरा मीटरिंग यूनिट है जो कि हाई प्रेशर पंप के ऊपर में लगा हुआ रहता है। बेसिकली ये दोनों जो एक्चुएटर है इनका वर्किंग बिल्कुल सेम होता है। इनका काम होता है फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करना। जो हमारी डीजल गाड़ी होती है, डीजल गाड़ी के जो इंजेक्टर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रेशर पे काम करते हैं। देखिए हमारे जो कंप्रेशन इंजन होते हैं इसके इंजन के अंदर डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्ट होता है, तो इसीलिए फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल का प्रेशर हाई करना पड़ता है और उस हिसाब से इंजेक्टर्स को इसके अंदर में इंस्टॉल किया जाता है। अभी आने वाली स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो ये हमारे इंजेक्टर्स होते हैं ये माइक्रो सेकेंड में 3 बार फायर करते हैं, प्री इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन और पायलट इंजेक्शन यानी कि पोस्ट इंजेक्शन। प्री इंजेक्शन तब जब पिस्टन ऊपर आ रहा होता है, मेन इंजेक्शन तब होता है जब पिस्टन पूरा टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है और पायलट इंजेक्शन तब होता है जब पिस्टन को हल्का सा नीचे पुश करना होता है। तो ये जो तीनों फायरिंग होती है ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंदर में हो जाती है, इसीलिए फ्यूल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ता है और अलग अलग इंजेक्टर्स के हिसाब से इनकी फायरिंग अलग अलग होती है। जैसे कि हमारा सोलेनाइड इंजेक्टर हो गया जो कि 250 से 300 बार पे आइडल पे वर्क करता है और जैसे जैसे RPM इंजन का बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। वैसे ही जो पीजो इंजेक्टर है वो 700 बार से लेकर के 1200 बार तक के हमारा वर्क करता है आइडल के ऊपर में और जैसे जैसे हमारा इंजन का RPM बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा देता हूँ कि इंजेक्टर एक्चुअली में फायर कैसे कर रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारा इंजेक्टर है ये हाई प्रेशर के ऊपर में वर्क करता है, हाई प्रेशर फ्यूल के ऊपर में वर्क करता है, मगर यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमारा जो इंजेक्टर है वो एक स्पेसिफिक रेंज में काम करता है। मतलब कि जितना इंजन का RPM होगा और जितना इंजेक्टर फायर कर रहा है उस हिसाब से प्रेशर होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, अदरवाइज इंजेक्टर में प्रॉब्लम आने की आशंका रहती है। तो इस चीज़ को या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो OEM है वो क्या करते हैं, कार में DRV या फिर मीटरिंग यूनिट इंस्टॉल करते हैं और इनका काम क्या रहता है, फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करना। ये जितना भी फीडबैक है ये रेल प्रेशर सेंसर से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि रेल प्रेशर सेंसर जो है हमारा वो ECM को बताएगा कि कितना प्रेशर बन रहा है और उस हिसाब से ECM DRV से फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करवाता है। ओके,
अब DRB जो है ये क्या है, ये एक सोलेनाइड एक्चुएटर है जो कि फ्यूल के प्रेशर को कटअप करती है। जब हम इंजन को हाई प्रेशर पे लेकर के जाते हैं, हाई RPM पे लेकर के जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो DRB है वो फ्यूल के प्रेशर को रिलीज़ करती है। और जब लाइक प्रेशर हमारा कम करना होता है तो उस टाइम पे DRB उसको कटअप कर देती है। अब ये सारी चीज़ें हमारी इंजन के रिलायबिलिटी के ऊपर में भी डिपेंड करती है। अभी यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि जो हमारी DRB है वो कैसे फ्यूल को कम या फ्यूल के प्रेशर को कम या ज़्यादा कर रही है। बेसिकली जो हाई प्रेशर पंप है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बनाता है, ऑलवेज हमेशा जितनी ज़रूरत होती है, जितनी नीड होती है, उससे ज़्यादा प्रेशर हमारा हाई प्रेशर पंप बनवाता है। और हमारा जो DRB होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप के पास खुद का तो कोई दिमाग है नहीं कि वो फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल कर सके। दैट्स वाई उसमें DRB या फिर मीटरिंग यूनिट इंस्टॉल की जाती है जो कि हाई प्रेशर पंप के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, और जितनी इंजेक्टर्स को ज़रूरत है उतना स्पेसिफिक प्रेशर वो इंजेक्टर्स तक के पहुंचाती है। तो चलिए आइए अब मैं इसको लाइव यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंस्टॉल्ड होती है और किस तरीके से वर्क करती है। सो दोस्तों, ये रहा मेरा डीजल इंजन। बेसिकली ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है हमारी कॉमन रेल। ये कॉमन रेल में एक तरफ जो है ये तीन वायर वाला जो सेंसर लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं रेल प्रेशर सेंसर। और इसी के दूसरे साइड में यहाँ पे अगर दो वायर वाला कोई एक्चुएटर लगा रहता तो उसे हम लोग बोलते हैं DRB वॉल। ये मेरी गाड़ी में जो है कॉमन रेल में DRB नहीं दी गई है। यहाँ पर जो हमारा हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप में ये दो वायर वाली देखिए मीटरिंग यूनिट दी हुई है। अगर हाई प्रेशर पंप में लगी है तो हम इसे मीटरिंग यूनिट बोलते हैं, और अगर ये कॉमन रेल में लगी रहती तो हम इसको DRB बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या करती कि ये जो मेरा हाई प्रेशर पंप है, ये हाई प्रेशर पंप एक मैकेनिकल कंपोनेंट हो गया, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया ये, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल का प्रेशर बनाता है। 200 बार, 300 बार, 400 बार, यानी कि ये इसका आइडल पे स्पेसिफिक ये प्रेशर बनाता है। मगर हमारा जो ये इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर एक रेंज में काम करता है। जितना ये फायर कर रहा है वो हिसाब से इसको प्रेशर चाहिए। उससे कम प्रेशर रहेगा तो इन इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, उससे ज़्यादा रहेगा तो इन इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ में मेरी गाड़ी में नॉकिंग, मिसिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है। तो अभी जो है मान के चलिए कि मेरा ये जो इंजेक्टर्स है, अगर ये बिना DRB या फिर बिना कॉमन रेल के, सॉरी बिना मीटरिंग यूनिट या बिना DRB के रहते, तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम के बाद में मेरे इंजेक्टर्स में खराबी आ जाती। तो हाई प्रेशर पंप से फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया गया है, DRB। मगर DRB अकेले इसको पता नहीं चलता है कि कितना रहना चाहिए। ये आप लोगों का DRV की वर्किंग कौन कंट्रोल करता है, DRV की वर्किंग मेरा कंट्रोल करता है रेल प्रेशर सेंसर और एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। मान के चलिए कि फ्यूल का प्रेशर कम है, ओके, और मैंने एक्सेलेटर पेडल दबा दिया है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि एक्सेलेटर पेडल की पोजीशन ज़्यादा है, फ्यूल का प्रेशर कम है, तो ECM क्या करेगा, DRV से प्रेशर को रिलीज़ करवा देगा, जिससे कि अपना इंजेक्टर्स की फायरिंग बढ़ जाती है, और हमारा जो रेल प्रेशर सेंसर है वो ECM को बता देता है कि हाँ फ्यूल का प्रेशर भी बढ़ गया है। एंड वहीं पे अगर मेरा एक्सेलेटर पेडल की पोजीशन बिल्कुल कम है और फ्यूल प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा है, तो रेल प्रेशर सेंसर ECM को बताएगा कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ECM क्या करेगा, DRV को कमांड दे करके प्रेशर को कटअप करवा देगा। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है, जहाँ पर इंजेक्टर की रिलायबिलिटी और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। अब मैंने पिछली वीडियोस में अपनी बताया है कि रेल प्रेशर सेंसर को कैसे चेक किया जाता है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि ये DRV को कैसे चेक किया जाता है। DRV को चेक करने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके हैं। पहला तो मुझे अगर ख़ास DRV को चेक करना है तो मैं ये चेक करूँगा कि मेरी एक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो क्या वो मेरे दूसरे वायर से रिटर्न हो रही है कि नहीं, मतलब कि निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर एक वायर में सप्लाई जाएगी और दूसरे वायर से निकल रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर का एक्चुएटर सही है। अब अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी तो वाली बात अलग हो जाती है, मगर अगर DRV का सोलेनाइड सही है तो हम उसको 90% सही मानते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारा मल्टीमीटर की दो प्रोब लेंगे, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, और फिर उसके बाद में जब हम इसमें देखेंगे दोनों पिन में लगा करके, तो हमको बीप का साउंड आना चाहिए। बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि मेरी DRV सही है।
और तीसरा वायरिंग साइड में देखिए कि कभी भी इसके एक वायर में पॉजिटिव आएगा और दूसरी वायर में नेगेटिव ड्यूटी साइकिल में आता है। ड्यूटी साइकिल मतलब कि रुक रुक करके आता है। जितना परसेंट DRV खुली रहेगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और जितना परसेंट कम खुली रहेगी प्रेशर उतना कम होगा। मान के चलिए कि अगर DRV का जो ओपनिंग रेट है वो 10% है तो फ्यूल प्रेशर का भी रेट 10% हो जाएगा, और अगर DRV का ओपनिंग रेट 50% है तो फ्यूल प्रेशर भी हमारा 50% हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे एक्सीलेटर पेडल सेंसर और रेल प्रेशर सेंसर के फीडबैक के ऊपर में। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है मैं इसकी वायरिंग में वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं लूँगा एक मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को 20 पे सेट करूँगा। गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दीजिए। और जो मेरे ये नेगेटिव प्रोब है, ये नेगेटिव प्रोब को मैं लगा देता हूँ मेरे यहाँ पे। और अब जो है मैं इसका वायरिंग का वोल्टेज चेक करता हूँ वन बाई वन। मैं एक वायर में लगाया हूँ दोस्तों, तो मेरा 12.19 वोल्टेज आ रहा है, और वहीं पे जब मैं दूसरी वायर में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 12.70 वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब कि ये मेरा पॉजिटिव का वायर है जिसमें मुझे सप्लाई आ रही है, और ये मेरा दूसरा वायर है 12.58 मतलब कि इसमें से सप्लाई निकल रही है। जिसमें मेरा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा वो मेरी पॉजिटिव के वायर है, और जिसमें मेरा वोल्टेज कम रहेगा वो मेरी नेगेटिव की वायर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक वायर में मेरा 12.76 है, और जब यहीं के यहीं पे मैं दूसरी वायर लगाता हूँ तो मेरा 12.59 या 60 के आसपास में वोल्टेज आ जाता है। तो इससे मेरा एक चीज़ तो ये होती है कि मेरा जो है एक वायर में सप्लाई आ रही है जो कि दूसरी वायर से रिटर्न हो रही है। अब इस सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, मैं निकाल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए एक वायर में मेरी सप्लाई आ रही है क्या, नहीं आ रही है, और दूसरी वायर में मेरा 12.70 के 77 के आसपास में वोल्टेज आ रही है। तो ये मेरी जो सप्लाई है ये DRV से अगर रिटर्न हो रही है तो DRV का सोलेनाइड मेरा ओके है। अब इसके आगे जो है दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे DRV को और डीपली चेक करना है तो मैं इसे कंटिन्यूटी पर सेट करूँगा, और कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद में दोस्तों मेरा बीप का साउंड आना चाहिए। ये मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसे मैं चेक कर लेता हूँ। बस आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अंदर में जाकर के आप टच ना कर दो, बाहर निकाल करके चेक करेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एज वेल एज यहाँ पर मैं जब दोनों प्रूफ पे सेट कर रहा हूँ तो मेरा बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा डबल चेक हो गया कि मेरा DRV का जो है सोलेनाइड ओके है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एक वायर जो है वो नेगेटिव की रहती है, मगर नेगेटिव मेरा किस में आता है, ड्यूटी साइकिल में आता है। जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी जो येलो कलर की वायर है, ये येलो में जो ब्लैक कलर का जो पट्टा है, ये वाली वायर मेरी पॉजिटिव की है, और ये वाली वायर जो प्योर येलो है ये मेरी नेगेटिव की है। तो ये वाली वायर में अब मैं जो है ड्यूटी साइकिल चेक करूँगा। ये ड्यूटी साइकिल मैं अलग अलग कंडीशंस में चेक करूँगा। ये मैंने लगा लिया है, और अब जो है मैं अपने JDAC को कनेक्ट करूँगा। JDAC को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, ऑस्किलोस्कोप पे सेट कर दूँगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये ड्यूटी साइकिल आ रहा है। मेरा ड्यूटी साइकिल कितना है, 95% है, मतलब कि 95% ये पॉजिटिव मेरा आ रहा है। तो नेगेटिव कितना होगा, 5%, मतलब कि मेरा DRV का ओपनिंग रेट कितना हो गया, 5%। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा ये जो पॉजिटिव जो कि रिटर्न हो रहा है उसका ड्यूटी साइकिल दिखा रहा है। तो इसको मैं उल्टा काउंट करूँगा, मतलब कि मेरा 5% ड्यूटी साइकिल ओपन है। अब नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए गाड़ी को। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा नेगेटिव कितना परसेंट आने लगा है, 40% नेगेटिव मेरा आने लगा है, क्योंकि 60% मेरा पॉजिटिव का ड्यूटी साइकिल आ रहा है। इसका मतलब कि मेरा 40% ही ऑन हो रहा है। अब रेस कीजिए।
जम के रेस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जब मैंने एकदम से रेस किया तो मेरा जो ड्यूटी साइकिल है वो 40% के आसपास गया। इसका मतलब कि नेगेटिव मेरा 60% हो गया था। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम रेस करते वैसे वैसे हमारा नेगेटिव का साइकिल बढ़ता है और जो हमारा DRV है उसका ओपनिंग रेट भी बढ़ जाता है, और जितना मेरा DRV ओपन होगा उतना मेरा हाई प्रेशर पंप जो है उसका फ्यूल का प्रेशर इंजेक्टर्स तक के जाएगा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि जो हमारी DRV है, DRV में आप लोगों की वायरिंग किस तरीके से काम करेगी। DRV की वायरिंग में आपका फ्यूज़ एंड मेन रिले से जो है 12 वोल्ट का पॉजिटिव आता है जो कि DRV की दूसरी वायर से रिटर्न होता है। अगर आपका ये वोल्टेज आ रहा है और रिटर्न नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका DRV का जो सोलेनाइड है वो ओपन हो गया है, जिस वजह से आपका ये सप्लाई नहीं आ रही है। उसको रीचेक करने के लिए आप दोनों पिनों को कंटिन्यूटी पे रख कर के सेट कर सकते हैं। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे रखूँगा और दोनों पिनों में लगा करके चेक करूँगा तो मेरा बीप का साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि मेरा DRV का सोलेनाइड ओके है। दूसरी स्टेप में जो है, जो मेरी नेगेटिव वायर है उसमें मेरा ड्यूटी साइकिल मैं चेक करूँगा। अगर मान के चलिए कि मेरा ड्यूटी साइकिल 90% आ रहा है तो इसका मतलब कि नेगेटिव कितना है, 10% है, क्योंकि ड्यूटी साइकिल हमेशा पॉजिटिव का दिखाता है और पॉजिटिव क्या हो रहा है, मेरा रिटर्न हो रहा है। तो जो मेरी रिटर्न वोल्टेज है उसका मेरे को ड्यूटी साइकिल नहीं निकालना है, नेगेटिव का निकालना है। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, माइनस, कि मेरा 90 दिखा रहा है तो मैं बोलूँगा कि 10% नेगेटिव है। अगर मेरा 80 दिखा रहा है तो मैं बोलूँगा जी 20% नेगेटिव है। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव का ग्राफ बढ़ेगा इसका मतलब कि मेरा DRV का ओपनिंग रेट भी बढ़ रहा है, और DRV का ओपनिंग रेट बढ़ना मतलब कि फ्यूल का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बड़ी ही आसानी से अपना DRV और उसकी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर आप लोगों को ड्यूटी साइकिल चेक करना है तो आप लोग आउटो रेंजिंग मल्टीमीटर की मदद ले सकते हैं। उसमें आपको नंबर्स में दिखाएगा, ग्राफ में नहीं। मगर हमारा प्रेफरेंस यही है कि आप छोटा मोटा ऑस्किलोस्कोप भी ले सकते हैं, अमेजोन पर मिलता है, या JDIAC या फिर एनसेल के जो टेस्टर्स आते हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप लोगों को रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरे भाइयों को भी रिकमेंड कीजिए हमारी ट्रेनिंग क्लासेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। हैव अ नाइस डे।